स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया चैनल पर एक बार फिर से। तो आइए बात करते हैं ताजा मौसम अपडेट की। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश के कुछ राज्यों में मॉनसून 2020 की एंट्री हो चुकी है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां अभी भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। वहीं अगले 24 से 48 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश और तूफानी हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों मौसम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने के लिए बस आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करना भी न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाएगा और आपको हर रोज मौसम से जुड़े वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं आपको ताज़ा मौसम अपडेट। तो दोस्तों सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस साल मॉनसून समय से पहले पहुंच चुका है। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। यह सिस्टम इस सप्ताह भर सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से पूर्वी तथा मध्य जिलों में एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में अब भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। पीलीभीत, बरेली, नजीबाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बहराइच और आसपास के जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। 23 और 24 जून को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इसी दौरान मानसून भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है। पश्चिम भागों में आगमन से पहले 20 जून के आसपास उत्तर प्रदेश के मध्य जिलों में मानसून का आगमन हो सकता है। दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। बीते 2 दिनों से लगातार बनारस समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव और बारिश के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन झमाझम बारिश के चलते जगह जगह जल भराव लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र समेत जिलों में बुधवार को तेज बारिश हुई और बूंदाबांदी लगातार गुरुवार को भी जारी रही। सुबह से शुरू हुई बारिश का क्रम दोपहर तक चलता रहा। वहीं दोस्तों आगे मध्य प्रदेश की मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में मानसून छा गया है और कई जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही आंधी के साथ बिजली भी चमक रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर कई जिलों में भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि बारिश में बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है। लगातार एक सप्ताह तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान तापमान में काफ़ी गिरावट आएगी। गर्मी और उमस से बेहाल हो रहे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने ताज़ा बुलेटिन में कई जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि कई जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली चमकेगी। इसके अलावा कुछ जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका है। आपको बता दें कि इसके अलावा मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी होगी। इसके अलावा इन जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लोगों को गर्मी से जल्दी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 22 से 23 जून के बीच मॉनसून अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकता है, जिसके बाद पूरे उत्तर भारत में मॉनसून के चलते बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार 3-4 दिन पहले ही मॉनसून राष्ट्रीय राजधानी पहुँच जाएगा। आमतौर पर मॉनसून 27 जून को दिल्ली पहुँचता है। क्षेत्रीय अनुमान मौसम विभाग के अनुमान बताया गया कि पश्चिमी बंगाल और इसके आसपास मंडरा रहा एक चक्रवाती परिसंचरण 19 और 20 जून को दक्षिणी पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे मॉनसून को 22 और 23 जून को पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, उत्तर पूर्वी राजस्थान और पूर्वी हरियाणा की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। इसका मतलब यह है कि इस बार मानसून 4 दिन पहले यानी 22-23 जून को दिल्ली पहुँच जाएगा। वहीं दोस्तों आगे राजस्थान के मौसम की बात करें तो गर्मी से बेहाल प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि तेजी से आगे बढ़ता मानसून प्रदेश में जल्दी एंट्री कर सकता है।
इंदौर से होते हुए झालावाड़ में मॉनसून का प्रवेश होगा। ऐसे में अगले 3 दिन में मॉनसून कभी भी आ सकता है और झमाझम बारिश का स्वरूप दौर शुरू हो सकता है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वोत्तर इलाकों में कहीं कहीं धूल भरी हवा चलने और छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने संकेत दिए हैं कि पूर्वोत्तर इलाकों में कुछ स्थानों पर धूल भरी हवाएं चलने और छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, बारां, सिरोही जिलों में अंधड़ आने और बौछारें गिरने के आसार हैं। ऐसे में पूर्वी राजस्थान में लू का असर थोड़ा कम रहने की संभावना है, लेकिन पारे का मिजाज फिलहाल अभी भी गर्म रहने वाला है। वहीं मॉनसून का इंतजार कर रहे लोगों को लू से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। 1-2 दिन में विभाग के अनुसार उच्च वायु दाब क्षेत्र बनने के कारण अगले 24 घंटों में भी लू से राहत मिलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, चूरू, श्रीगंगानगर, नागौर में लू का रेड अलर्ट जारी किया है और जोधपुर, जालौर, पाली, पिलानी, कोटा, झुंझुनू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुधवार को भी प्रदेश में आसमान से आग बरसती रही और लू के थपेड़ों से लोगों के हाल बेहाल रहे। राजधानी जयपुर समेत बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, जोधपुर और बाड़मेर में आसमान से बरसते अंगारों ने गुरुवार को भी बेहाल कर दिया। दोस्तों, मौसम की जानकारी देने वाली स्काई मेट एजेंसी के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भारी मॉनसून बारिश जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, झारखंड, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। आगे बात करें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना की तो यहाँ पर भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलेगी। इससे पहले राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं बीते 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। पूर्वोत्तर भारत, गंगे पश्चिम बंगाल, केरल में के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के समाचार मिले हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी कहीं कहीं बारिश देखने को मिली है, तो राजस्थान के अधिकांश जिलों में भीषण लू की चपेट में रहे हैं। उत्तर पश्चिमी जिलों में सबसे बुरे हाल रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मौसम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ताज़ा मौसम की जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।